लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं हूं अंशु। प्रतापगढ़ जनपद के तहसील लालगंज के हर्षपुर ग्राम सभा में नववर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। भंडारे के आयोजक तूफान सिंह, विनोद सोनी, सुखेंद्र सिंह, कपूर सोनी, राम बहादुर सिंह, सुखनाथ प्रसाद और राजीव मौर्य, मेवालाल मौर्य, राम आसरे प्रधान एवं ग्रामवासियों ने कहा, नववर्ष पर श्रद्धालु की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। श्रद्धालुओं की सेवा ही सर्वोपरि है और हम यहां आने वाले सभी भक्तों का नववर्ष मंगलमय हो, यही शुभकामना करते हैं। आयोजक मंडली के अनुसार लगभग 3000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रतापगढ़ जनपद के तहसील लालगंज के हर्षपुर ग्राम सभा में नववर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। भंडारे के आयोजक तूफान सिंह, विनोद सोनी, सुखेंद्र सिंह, कपूर सोनी, राम बहादुर सिंह, सुखनाथ प्रसाद और राजीव मौर्य, मेवालाल मौर्य, राम आसरे प्रधान एवं ग्रामवासियों ने कहा, नववर्ष पर श्रद्धालु की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। श्रद्धालुओं की सेवा ही सर्वोपरि है और हम यहां आने वाले सभी भक्तों का नववर्ष मंगलमय हो, यही शुभकामना करते हैं। आयोजक मंडली के अनुसार लगभग 3000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज यहां पर किस खुशी में यहां पर सारे लोग उपस्थित हुए हैं? सर, आज यहां पर नववर्ष का प्रथम दिन है जी, और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर समस्त ग्रामवासी उपस्थित हैं। हमारे ग्राम प्रधान हैं और ग्राम प्रधान के साथ में ही एडवोकेट साहब भी हैं और समस्त सम्मानित जनता भी यहां पर उपस्थित है। हम लोग भी कहना वीर बाबा के इस पावन स्थल पर भंडारे का आयोजन सुनिश्चित किए थे और उनकी कृपा से आज भंडारा कन्या भोज के साथ प्रारंभ हुआ। और आप देख ही रहे हैं यहां पर कितने लोगों के लिए यहां पर कन्या भोज का व्यवस्था किया गया है। यहां पर 2500 से 3000 लोगों के बीच में जितने भी भक्तजन आएंगे उनके लिए यहाँ पर प्रसाद वितरण का व्यवस्था। कितने बजे चल रहा है ये? कितने बजे से यहाँ चल रहा है जी? ये प्रारंभ हुआ है 2:30 बजे से, यहाँ पर प्रारंभ हुआ है ये। अभी कितना बजे तक चलेगा? और ये प्रभु की इच्छा तक चलेगा, जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक उनका ये कार्यक्रम चलता रहेगा और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। हम आज बाबा जी के पावन धाम पर उपस्थित हैं और समस्त सम्मानित ग्राम की जनता को और समस्त देशवासियों को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि वे सबका कल्याण करें, सबकी दामन खुशियों से भरा रहे, किसी प्रकार का दुख न हो, ऐसी आकांक्षा हम भोले बाबा से करते हैं। और समस्त ग्रामवासियों को, देशवासियों को नए साल के इस प्रथम दिन के शुभागमन पर हम हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पुनः देना चाहते हैं। तो फिलहाल की अहम खबरों में बस इतना ही, बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। नमस्कार।